ये भिंडी है, ये मिर्ची लगाया था, ये कम से कम 7-8 महीना चली इनका। तो ताड़गोला भी है, ये करेला लगा है हमारे इधर, ऐसा गांव के जैसा लगता है। और गाय को घास भी यहीं से आते क्या, आप खरीद के लेके आते? हेलो एवरीवन, गोराई खाड़ी के बोट पर बाइक लोड करके हम निकल पड़े हैं उत्तन की ओर। बोट से गोराई खाड़ी और पगोड़ा के बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आते हैं। जट्टी पर उतरते ही मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, गोराई बीच या उत्तन जाने के लिए। यहाँ पर एक बोर्ड भी है किशन गोपाल राजपूर या वानप्रस्थ आश्रम के लिए। लेकिन हम रास्ता भटक के मंदिर से भी थोड़ा 500 मीटर आगे चले गए थे, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। ये नज़ारा एंजॉय करके हम लौटे मंदिर की तरफ। यहाँ मृत्युंजय धाम का बोर्ड लगा है। तो देखने के लिए पाबंदी नहीं है, ईश्वर है जो दुख का भगत है, भगत शब्द का अर्थ वही होता है। आप उनको ही दर्शन करके आ सकते हैं, आनंद मुख लेके आएगी, बुक मुख थोबड़ा मुकड़ा सवेरे 7:15 से लेके यार उसके पहले भी आके देख सकते। अच्छा अच्छा, मेरा ड्यूटी 8 से 8:15, उसके पहले भी आप आके देख सकते। और शाम को कितने बजे बंद होता है ऐसा कुछ? ऐसा पाबंदी नहीं, आप आके कितने बजे भी आके देख, ऐसा 10, 10:30, 11 नहीं इतना बजे नहीं, क्योंकि 8:30 का सब लाइट जाते हैं तभी इतना बजे। तो अंधेरा होने से पहले निकल जाना बेटर है। आनंद से आएगा ये आप। थैंक यू अंकल, वेलकम। सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आया हूँ भाईंदर उत्तन में। यहाँ पर है ये भगवान शिव जी का बड़ी सी मूर्ति है और इसका नाम है राजपूर या वानप्रस्थ आश्रम मृत्युंजय धाम। यहाँ पे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वृद्धाश्रम खोला गया है। तो ये जगह ज़्यादातर फेमस है अपने इस शिव मंदिर के लिए। हर मंदिर के जैसे यहाँ पर भी श्री नंदी जी विराजमान है और इनके पीछे एक और स्टैचू है ब्लैक कलर में, वो शंकराचार्य जी का मूर्ति है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ पे कुछ आम, चीकू, बादाम, ऐसे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए। अब मैं आया हूँ यहाँ के गौशाला में। यहाँ पे दोनों तरफ गाय तो है ही है और उस तरफ मेरे गाय के बछड़े रखे, बहुत सारे बछड़े। मैं आपको गाय के बछड़े भी दिखाता हूँ। इस सेक्शन में पूरे गाय के बछड़े रखे हुए, उस तरफ बहुत सारे गाय है। अगर मैं गिनूँ तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 लगभग 9-10 गाय है और एक छोटा सा बछड़ा भी वहाँ पर है जो फिलहाल दूध पी रहा है। और यहाँ पे सारे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 गाय के बछड़े हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत। ये शायद सोच रहे कि मैं इन्हें कुछ घास खिलाऊंगा। तो ये गाय के जो बछड़े हैं बेचारे शायद भूखे हैं, तब इन्हें एक एक करके खिला देते हैं। अरे बाप रे, ये गाय थोड़ी गुस्से वाली है, इससे बच के रहना आप। ये कितना प्यारा है क्या, एक्टिव। आपको कुछ पे करना है? आया था गौशाला के लिए। और भैया आप आइए यहाँ पे। नाम क्या बताया आपने? शरद पाटिल भैया का नाम है और यहीं पे गौ सेवा में काम करते हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो शरद भैया से मिल सकते हो। ऐसा कुछ पर्टिकुलर भैया ने बोला नहीं कि गाय को चारा देने के लिए आप इतने पैसे दो उतने पैसे दो, जो कि अदर जगह पे अक्सर होता है ऐसा। बट भैया ने कहा आपकी मर्जी है, आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते नहीं।
जितना दे सकते हो उतना, कोई इश्यू नहीं है भैया को। और भैया जलगांव से औरंगाबाद, चलो थैंक यू भैया। प्यारे गाय है काफी क्यूट से। यहाँ पे जितने भी सब प्रोडक्शन में जाते हैं कि क्या घी बनाते हैं, अगर प्योर घी यहाँ पे मिलता है ना, मैं सुना है यहाँ पे। अच्छा वो कहाँ पे मिलेगा? इधर दुकान नीचे हमारे, नीचे दुकान है ना, वहाँ पे घी मिलेगा ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी मंदिर की कि यहाँ पर एक कैंटीन भी है सुबह 8:30 बजे और दोपहर को अराउंड 12:30-1 बजे समथिंग, और शाम को 7:30 बजे यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है। एंड इतना ही नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी मंदिर में वृद्धाश्रम में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए आपके डियर वंस का, आपके फैमिली मेंबर्स का, तो यहाँ पर आप अराउंड 3100 में, मैंने सुना है कि आप लोगों को मतलब लंच करा सकते हो, आपका बर्थडे केक यहाँ पे काट सकते हो। एक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छी जगह, सुंदर जगह होगी ऐसा मुझे लगता है। तो मैं तो सुन आना चाहूँगा यहाँ पे मेरे किसी फैमिली मेंबर के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। आप मॉल्स पब्स वगैरह में जाके इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने से अच्छा यहाँ पे आओ, गौशाला है, कैंटीन है, भगवान है, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। ये कैंटीन है, कैंटीन के शायद बैक रूट है, और कैंटीन के पीछे ही यहाँ पे नेचुरली उगाई हुई सब्जियाँ है और किसी तरह का कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता। मैं शाम को आया हूँ इसके लिए शायद आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे पेरू उगे हुए, ये 4 पेरू है, ये तुरिया की सब्जी है। बहुत बड़ा है। 23 साल से यह मंदिर है यहाँ पे, हमको अभी अभी पता चला है। आपको अंदर से आना जमेगा कि नहीं? ये देखो इतना बड़ा भोपला है इधर। बड़ा सा बना हुआ है ना। हाँ। आज भिंडी तोड़ी थी, सबके लिए बनाएंगे। यहाँ पे एक और लौकी दिख रहे, एक लौकी तो देखो। हाँ ये लौकी अभी क्या खराब हो, वरना पहले बहुत लगा था। अच्छा ये लौकी खराब हो चुकी है भैया, लेकिन अंदर एक अच्छा वाला भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा वाला भी दिख रहा है। हाँ ये भी कुछ है क्या? ये भिंडी है ना, लगा। अच्छा ये छोटे छोटे सब संभाल के जाने, नीचे भी सारे जो लगे। अरे भिंडी तो वो होगा शायद। अच्छा वो बड़ा है भिंडी। आप में से कोई भी यहाँ पे आ रहे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो पर्सन थे वर्कर थे उनसे बिना पूछे आप मत आओ बिना परमिशन के, और अगर आ रहे हो तो थोड़ा ख्याल रखना आप पेड़ पौधों का। और मैं आपको एक भिंडी दिखी, मुझे भिंडी भी आपको दिखा देता। अच्छा ये छोटा वाला, ये भी 2 दिन में वापस टूटेगा, ये भिंडी बन गया ना। एक दिखा ये आज थोड़ा था और कल नहीं परसों वापस तोड़ेंगे, तो ये वापस बड़ा हो जाएगा। तब तक ज्यादा दिन रखते तो खराब हो जाते, दिन तो खराब हो जाता है क्या? अच्छा तो ये ज्यादा टाइम के नहीं बनता, ये भी तुरिया है। हाँ, अभी उधर दूसरा भोपला का नया पौधा लगाया है, 2 महीने से चल रहा है भिंडी। अच्छा। सब निवासी हमारे 125 निवासी है, तो इनके लिए सबके लिए ताजा सब्जी जैसे तुरंत लगता है ना, जैसे भिंडी है, भोपला है, दुद्दी है, तुरिया है, करेला है। वो करेला ज्यादा इनको खिलाते क्योंकि शुगर पेशेंट ज्यादा है। बराबर, तो उनसे उनको थोड़ा सेहत के लिए फायदा हो। आजकल हर घर पे शुगर ज्यादा है, तो हम इनको क्या करेले की सब्जी थोड़ा ज्यादा खिलाते हैं, हफ्ते में 2 बार खिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो इनकी सेहत इधर आने के बाद अच्छी होती, करके घर से अच्छा इधर अच्छा इनको लगता भी है। और ये बैंगन लगाए। अच्छा बैंगन अभी आए नहीं, छोटे अभी आएंगे, ये अभी लगाए थे 20 दिन पहले, दोबारा आएंगे हम कुछ। आप दोबारा आना, और वो नया भोपला वापस लगाया ये पौधा। अच्छा, तो 1.5 महीने बाद वापस इसको भोपला, वो बड़े बड़े 10-10 किलो के भोपले लगते हैं। अच्छा, 10-10 किलो के भोपले एक बार बन गए तो। जी जी, ये नया भोपला के पौधे हैं, तो ये बड़े होंगे उधर तक जाएंगे भैया, वो बेल हो रही ना लंबी, उधर तक जाएंगे, फिर एक एक भोपले अगर पौधे इसके फल लगे 10-10 किलो के लगते। अच्छा। ये बादाम का पेड़ सिर्फ तो इसके लिए होगा, छाव के लिए? छाव के लिए रखा है, निवासी कोई भी हमारे अभी कीपिंग वाले, हाउस कीपिंग वाले लड़के, गार्डन वाले, तो जैसे जिसको जैसे अच्छा लगता है वो खाते भी है। हाँ, सूखने के बाद अच्छा भी लगता है, हम भी खाते, कैंटीन के लड़के भी खाते। ये पीछे नारियल का भी झाड़ लगता है। हाँ नीचे
हाँ ये पपैया है। हाँ आधा पपैया तो रेडी भी है। हाँ हाँ एक पीछे वो ताड़ गोला भी है। हाँ वो ताड़ गोले के पेड़ वो पीछे है ना, सब ताड़ गोले के पेड़। हाँ इधर ऐसा गांव के जैसा लगता है, लेकिन कितना सारा ताड़ गोला लगा उधर, किसी ने तोड़ा ही नहीं लगता। नहीं वो तोड़ने वाला आता नहीं ना, आता तो उधर ना उच्च हमारे से नहीं चढ़ा जाता है। हाँ ताड़ गोला वाला आता है ना तो लेके जाता है, आधा हमारे को भी देता है आधा बोले। तो अभी आता नहीं हो, आया नहीं इस सीजन में, तो ऐसे ही नीचे गिर के खराब होके गिर गया। और गाय को घास भी यहीं से आता है क्या, आप खरीद के लेके आते थे? नहीं ज्यादा तो नहीं आता हमारे इधर से, थोड़ा कभी कभी लगा तो हम इधर से ले लेते, वरना बाहर से ज्यादा। मतलब पूरा घास जो भी आप बाहर से खरीदते हो, कभी कभी सिर्फ जरूरत पड़ने पर आप यहाँ से लेते, यहाँ से लेते, क्या इतना जगह नहीं है ना, और गाय हमारी 15-20 से ज्यादा है। बराबर। ये कितना जगह पे फैला हुआ है ये भिंडी है? ये आश्रम, ये अभी ये खत्म होगी तो ये चालू हो जाएगी, फिर इधर से तोड़ के इनको खिलाएंगे निवासियों को। ये हमारे सर जी ने, योगेंद्र जी राजपुरिया जी हमारे आश्रम के, उन्होंने ये जगह निकाल के दी, तो महाराज तुम इधर सब्जी लगाना अपने निवासियों के लिए। सारे सब्जी यही से होते जी जी, हमारे हमारे सर बहुत अच्छे है, क्योंकि हम उनको जो रिक्वेस्ट करते हैं ना वो हमारी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं, और निवासियों के लिए तो कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं जी। ऐसा बहुत कम देखने मिलता जी। हाँ। जी। अरे केले का भी झाड़ है। हाँ एक केले का, केला फिलहाल नहीं है लगता, बना नहीं है। नहीं अभी बारिश ज्यादा आ रही ना। हाँ। उसके जो फल आते है ना, वो फूल आते है ना। हाँ। वो ये गिर जाते, टिकते नहीं है बारिश में। कड़ी पत्ता का सब्जी में जो यूज होता है। हाँ, ये कड़ी पत्ता हमने 3 महीने पहले लगाया। अच्छा सिर्फ 3 महीने में इतना अच्छा हुआ है। ये मिर्ची है बता रहे। हाँ। ये मिर्ची लगाया था, ये कम से कम 7-8 महीना चली निवासियों। अच्छा। के खिलाते थे, और ये भी क्या खराब हो गई, अभी इधर नया लगाएंगे वापस। अच्छा ये सब, ये सब बबला है। ये करेला इधर है, बैंगन है, ये करेला लगा है हमारे, ये ताजा ताजा सब्जी सब निवासियों को खिलाते हैं। अंधेरा हो गया ना, थोड़ा कम दिखे। हाँ कम दिखेगा, अभी लाइट हो गए। ये नया निकल, ये 4-5 दिन में निकलता है एक बार। हाँ अभी तो छोटे छोटे, ये छोटे हैं, एक दिन थोड़े थे 2-3 दिन पहले, पीछे थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। हाँ ये थोड़े थे 2-3 दिन पहले, अभी 2-3 दिन में वापस बड़े हो जाएंगे, तो हम हफ्ते में 2 बार निवासियों को करेले की सब्जी खिलाते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी रहती है करेले। हाँ। अच्छी है, भले कड़वा। हाँ कड़वा टेस्ट में नहीं, अच्छा भी लगता है, वो पसंद भी करते, वो पसंद करता, बोलते भी हमारे करेले की सब्जी ज्यादा खिला। उसके आगे, उसके आगे भी वो आम के पेड़ आ गए। बारिश आ रही है, बारिश से गिर गया था ये, वरना ऐसे ही था पूरा बढ़िया। आया आया बारिश, काफी नीट एंड क्लीन है किचन पूरा, कोई मतलब किचन है बदबू वगैरह कुछ भी नहीं बिल्कुल, जैसे कुछ कुछ हॉल्स में रहता है शादी के। ये कैंटीन है हमारे निवासियों की, यहाँ पर भी मंदिर है, और ये हमारा कैंटीन है। ये हमारे दादाजी है। अच्छा इन्होंने ये आश्रम का निर्माण किया था जी, ये हमारे दादाजी, ये दादी जी, इनका नाम, इनका इनका योगेंद्र जी है, योगेंद्र जी राजप्रिया, और ये माता जी दादी जी हमारे जी। और अभी इनके सुपुत्र वो चला रहे। अच्छा आपने बताया उनके बारे में, किशन गोपाल जी, इनका नाम किशन गोपाल जी है। अच्छा। और अभी जो चला रहे हैं इनके सुपुत्र योगेंद्र जी राजपुरिया जी, योगेंद्र जी राजपुरिया, और उनकी पत्नी दिव्या जी, दोनों संभालते हैं। अच्छा अच्छा बहुत अच्छे से संभालते। अच्छा ये सब निवासियों का अच्छा किया, ये खाना बनाया हमने, वो पपैया का कचुम्बर बनाया, पपैया का कचुम्बर, ये पालक का सब्जी है जी, आलू पालक है, ये दाल है, ये दाल है, ये चावल है, स्वीट भी बनता है, दिन में बनता है, एक ही टाइम स्वीट खिलाते हैं दोपहर को। हाँ ये रोटी, अभी चपाती है, ये चपाती, ये रोटी मशीन में बनाएगा? नहीं नहीं हाथ से बना, शेक बराबर। हाँ सब आता ना, सबको बना, सबको बनाना जी, यहाँ के काम के लिए रखे या? हाँ नहीं अब लड़के लड़के काम के लिए भाई लोग, हाँ उनके खाना वगैरह बनाते, वो मैं महाराज हूँ उधर का, मैं
कैंटीन क्या करते हैं पूरा ये पूरा कैंटीन का मैं संभालता हूँ। सर ने मेरे को सेवा का काम दिया। अच्छा, कैंटीन का वो लड़का राशन पानी सब्जी वब्जी लेके आते हैं। सर जैसे बोलते वैसे लेके आते हैं और सब लड़के सब इधर है। अच्छा, पूरा दिन आप यही रहते हैं? 8-10 लड़के कैंटीन के लिए काम करने के लिए, 5-6 लड़के गार्डन के लिए और 7-8 जन हाउस कीपिंग है जो इनके कपड़े धोते हैं और इनकी साफ सफाई सब रूम साफ तो सब देख सब निवासियों खाली उनको नाना रहता है धोना रहता है हो गया। और ठीक हो गया एकदम रेडी होके नाश्ते के टाइम नाश्ता करने आए और खाने के टाइम खाना। अच्छा, सुबह 6 बजे चाय देते हैं इनको रूम पे, 8:30 बजे चाय नाश्ता इधर कैंटीन में देते हैं और फिर 12:30 बजे खाना देते। खाने में ऐसे सब्जी दाल कठोर ऐसे रहते, फ्रूट भी रहता है मिठाई भी रहती। फिर 4 बजे चाय बिस्किट रूम पे देते। अच्छा, फिर 7:30 बजे इधर खाना चालू होता है हो जाता है और 8:30 बजे सबको रूम पे दूध देते हैं। अच्छा, और यहाँ पे बर्थडे मनाना ना सुना यहाँ पे मनाते हैं वहाँ से ये सब वगैरह कम से कम महीने में 20 दिन तो इधर आती है। क्या पे करना रहेगा अगर किसी को सेलिब्रेट करना रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल चार्ज रखा है इनका पूरा जो खाना रहता है हमारे तो उनको 3100 रुपए चार्ज रखा है उनकी तरफ से जो खाना रह जाता है और वो बड़े जो पूरा परिवार जो आते हैं वो भी इधर खाना उनके साथ में इधर काटते सेलिब्रेट करते हैं उनका सब साथ में मिल गया ना। छोटे यहाँ पे कितने है हमारे इधर? अभी 125 जन 125 निवासी है, निवासी लेडीज और जेंट्स दोनों अलग। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू। आपका नाश्ते का चार्ज या लंच के कितना रहा? 3100 रुपए खाने का रहता है हमारे। नॉर्मल टाइम पे आते हैं ना कोई ऐसे मंदिर दर्शन लेने आए? हाँ, 50 रुपए नॉर्मल खाने का 50 रुपए लेते हैं। खाने का 50 रात को भी 50, खाने नाश्ते का 20 रुपए लेते हैं। अच्छा, नाश्ते हाँ खाने में एक सब्जी दाल कठोर चावल सलाद अचार छाछ और मिठाई देते, मिठाई भी देते हैं 50 रुपए में जी। हमारे साथ ऐसा पूरा एक मील आ जाए। हाँ, पूरा खाना पेट भर के खा सकते जी। हमारे सर जी क्या उनकी तरफ से जो ज्यादा कॉस्ट होता तो वो दे देते हैं हमारे, परंतु गेस्ट से ज्यादा नहीं लेते। अच्छा, हो गया। हाँ, क्योंकि ये टाइम में 50 रुपए में आपको भी मालूम कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, तभी सर जी बोलते हैं नहीं 50 रुपए लोग नाश्ते में खर्चा करते 50 रुपए। हाँ, नाश्ते में 50 रुपए और नाश्ते का 20 रुपए ही रखा। अच्छा, 20 रुपए चाय नाश्ता 20 रुपए सुबह 8:30 बजे। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 8:30 बजे चाय नाश्ता चालू हो जाता है बाहर वालों का अंदर आना और 12:30 बजे दिन में खाना खाने उससे पहले आ जाओ क्या की टाइम तो हमारे को इनका पहले देखना रहता है क्या की इनका गोली दवाई टाइम पे लेते हैं ना इसके लिए इनको टाइम पे खाना देना रहता है। इनका फ्री होने के बाद गेस्ट का चालू कर देते और जल्दी खाना चाहते तो पहले आधे घंटे एक घंटे पहले उनका चालू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। आप खाना करके जो अभी तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट। तो आप देख पा रहे हो यही था यहाँ का बिक्री केंद्र जहाँ पे दूध से बने हुए चीज जैसे कि घी वगैरह की काफी सारी चीजें श्रीखंड वगैरह यहाँ पे मिलने वाला था बट हम लोग लेट हो चुके हैं रिटर्न जाने तक ये बंद हो चुका है। तो आप आओगे तो शाम को अंधेरा होने से पहले से जो भी खरीदना है खरीद लीजिएगा। तो ये तो बंद है, हम भी जा रहे घर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग and do like, share and subscribe if you like the video and have a great day guys. Bye bye.